मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं जान टावर के पार्टनर रज्जी जान ने जान टावर स्थित निज कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा सरकार एवं नेताओं के इशारे पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जान टावर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 16 जुलाई को तलघर में पार्किंग न कर अवैध दुकान निर्माण की नोटिस मिली थी, जिसका समय पर जवाब दे दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मानकों पर नगर निगम द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है, वह मानक जान टावर में पूरे हैं। साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 1997, 2002 एवं 2013 में 3 बार अलग अलग फ्लोर के लिए अनुज्ञा जारी की गई थी। यदि निर्माण गलत था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निगम द्वारा राजनीतिक दबाव से उक्त कार्रवाई कर रहा है। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा जान टावर एवं रमा गोविंद पैलेस को भवन अनुज्ञा के तहत निर्माण न होने की हाल ही में नोटिस जारी की गई थी। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जॉन टावर की निर्माण की अनुमति आप उत्सव स्थानीय ही है, वहां से मैंने कूलर बेच के तिल तिल का पैसे इकट्ठा करके मैंने ये जमीन खरीदी थी। खरीदने के बाद मैंने इसकी परमिशन नगर निगम द्वारा की थी। उस समय राजेंद्र शर्मा जी ने ही इसका नक्शा बनाया और नगर निगम से सन 1997 में मैंने इसकी अनुमति ली। जिस प्रकार आज अखबारों में इनने कहा है कि इसमें तलघर में दुकानों की अनुमति नहीं है, पार्किंग की अनुमति है, तो आप सबके अवलोकन के लिए यह नगर निगम का नक्शा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, कोई भी इसको देख सकता है। ये क्लियर कट इसमें बेसमेंट का प्लान है। हमने सबसे पहले इसकी अनुमति ली बेसमेंट प्लान की, फिर ग्राउंड फ्लोर प्लान की और फर्स्ट फ्लोर प्लान की, एक ही साथ ये तीनों प्लान की मैंने मंजूरी ली जो नगर निगम द्वारा दी गई। अगर इसमें पार्किंग कम थी तो उसके बाद 2007 में उसी टर्म्स कंडीशन में मेरे को क्यों परमिशन दी गई सेकंड फ्लोर बनाने। तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में डीएसपी मनोज वर्मा जी ने आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी रहती है और आईजी साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जॉन की नहीं है, रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठवाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है, शिल्पी प्लाजा के सामने फोर व्हीलर पार्किंग अलाउ है नहीं है, वहां आती है तो ट्रैफिक वाले उठा ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड पे जो सफेद पट्टा पड़ा है उसके सामने करो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाएं, मेरी जवाबदारी नहीं हमारा। तो मैंने कहा आप नक्शा दुरुस्त करिए, अपना नक्शा देखिए। तो वो बोले हमारे पास नक्शा ही नहीं मिल रहा है, आपका नक्शा ही नहीं है नगर निगम में, आपका नक्शा ढूंढने नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत में जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे की प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को ये अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिग्रहित कर सकता है, हमारा घर भी अधिग्रहित कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिग्रहित कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिग्रहित कर लीजिए लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और मेरी बात करिए। तो वो बोले कि बस आप बहस मत करिए, आप तो उसको तोड़ के दुकान पार्किंग बना दीजिए। मैंने कहा नीचे मेरे बैंक लगते हैं और जो लगता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपकी अनुमति से दुकान बनाया हुआ है, 30-30 साल का मेरा लीज एग्रीमेंट है, नए नए दुकान लोगों ने खोली हुई है और इतने में सामने जगह छूटी है गाड़ी पार्क करने के लिए। वास्तविक स्थिति क्या है? अभी 2 दिन पहले द्वेष फसिन ने नगर निगम कमिश्नर ने हमारे यहाँ भेज दिया आग बुझाने का संयंत्र की जांच करने। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, नगर निगम के कितने कॉम्प्लेक्स है रीवा में? तानसेन कॉम्प्लेक्स सिरमौर चौराहे में 2-2 हैं,
यहाँ वेंकट बाजार में वेंकट कॉम्प्लेक्स है, गंगा वाटिका के सामने गंगा वाटिका वाला कॉम्प्लेक्स है, प्रकाश चौराहे के ठीक सामने जो बुधवानी वस्त्रालय वाली वो पूरी लाइन का वो है, नगर निगम स्कूल जो पहले था उसमें अपना बाजार वाला है, खन्ना चौराहे में सूर्य होटल वाला कॉम्प्लेक्स है, बिछिया में एक जो निम्न नया बनाया वो कॉम्प्लेक्स है, जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है उसमें आप बता दीजिए कितने में बेसमेंट बना हुआ है, कितने में बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, कितने में लिफ्ट की सुविधा है, अभी लिफ्ट से आप लोग आए उसमें लिफ्ट कभी रवाना होंगे पैलेस के लिए। साल पहले मैंने इतना छोड़ के बनाया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता हूँ और सबसे ज़्यादा जॉन टावर से आय नगर निगम को होती है, उसके बाद केवल जॉन टावर में इनको पार्किंग दिखती है जिसमें सबसे ज़्यादा पार्किंग है, सामने भी पार्किंग है पीछे भी पार्किंग, मेरे ऊपर इस कारण की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को अंतिम बार मेरी मैं स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस चीज़ पे, लेकिन अन्याय इनका नहीं सहन करूंगा, ना भाजपा के सामने घुटने टेकूंगा, ना स्थानीय प्रशासन के सामने घुटने टेकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना।